नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि गांव में डोर टू डोर टेस्टिंग हो और ऑक्सीजन की सप्लाई का बढ़िया तरीके से इंतजाम किया जाए। वहीं उन्होंने वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। प्रधानमंत्री की मीटिंग में तीन अहम बातें भी हुई और वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि कोरोना से जुड़ी हुई गुड न्यूज मैं आपको देने जा रही हूं, क्योंकि कई राज्यों से गुड न्यूज आनी शुरू हो चुकी है। और चलिए बात करते हैं किस राज्य में किस तरीके के हालात चल रहे हैं। देश के 15 राज्यों में एक दिन में नए मरीजों की अधिक संख्या रिकवर होने वाले मरीजों की है। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गोवा और चंडीगढ़। वहीं देश में पिछले दिन के मुकाबले लगभग 3,33,609 नए मरीज हैं। वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, यानी कि 3,63,294 रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या है। हालांकि मौतों के आंकड़ों में तेजी बनी हुई है और पिछले दिन 4,050 मौतें दर्ज की गई और महाराष्ट्र में भी नए जो मरीज हैं उनमें कमी देखी जा रही है। राज्य में आज केवल 29,923 मरीज ही मिले हैं। दिल्ली के हालात भी थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। दिल्ली में 23 दिन में पहले 36.2% की इफेक्टेड होने की दर से 26,159 मरीज मिले थे और बीते दिन ये दर घट करके 12% रह गई और नए मरीजों का आंकड़ा भी 8,500 हो गया। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी कम हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री ने वो कौन सी तीन अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना को फैलने से रोकना होगा। वहाँ पे कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी जो इक्विपमेंट है उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बात जो उन्होंने ध्यान दिलाई है, प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही तरीके से ना होने की रिपोर्टों को भी काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल तरीका है उसको तत्काल तरीके से उसका ऑडिट किया जाना चाहिए। कहा कैसे इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, कैसे इसका ऑपरेशन हो रहा है। और तीसरी जो उनकी अहम बात है वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी सुनिश्चित की जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरीके से हो रहा है उसकी पॉलिसी तैयार की जाए, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भी शामिल किया जाए, चिकित्सा उपकरणों के सुचारू ऑपरेशन के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। और हाँ, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई एक खास खबर यह है कि 18 साल से 44 साल तक की उम्र के करीब 95 करोड़ की आबादी को इस साल दिसंबर तक टीका लग जाएगा। ये एक अच्छी बात है और ये जो बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना से जुड़ी हुई खबर। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना से जुड़ी हुई हर जानकारी को पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानना चाहती है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।